हाल ही में इंडिया में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो चल रहा है, जहां पर तकरीबन 28 ऑटो मैन्युफैक्चरर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां पर कई सारे ब्रांड अपनी गाड़ियों को शोकेस कर रहे हैं, कुछ न्यूली लॉन्च मॉडल दिखाए जा रहे हैं, कुछ अभी आने वाले मॉडल्स को भी वहां पर शोकेस कर दिया गया है। उन्हीं में से टाटा कर्व को इंडियन मार्केट में शोकेस कर दिया गया है। फाइनली आप लोग अभी तक जो मॉडल देख रहे थे टाटा कर्व का, वो आप लोगों ने कंसेप्ट मॉडल देखा था, बट अब फाइनली टाटा मोटर्स ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में अपने प्रोडक्शन मॉडल को शोकेस कर दिया है कि भैया इस तरीके से टाटा की कर्व दिखाई पड़ने वाली है, जो कि इसका एक्चुअल मॉडल होने वाला है। तो अगर आप लोग इस साल नई गाड़ी की तलाश कर रहे हैं और आप लोग अपने लिए एक न्यू एसयूवी लेना चाहते हैं, तो टाटा कर्व बिल्कुल एक नई एसयूवी आने वाली है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग भी होने वाली है। तो ये गाड़ी किस तरीके से होने वाली है, क्या डिज़ाइन निकल कर आए हैं इसके नए प्रोडक्शन मॉडल के अंदर, कितने फीचर्स मिलते हैं, कितना प्राइस हो सकता है और कब तक इसका लॉन्च होने जा रहा है, सारी डिटेल्स बताऊंगा आज की इस वीडियो में मेरे साथ। मेरा नाम है फराज और आइए आज हम लोग बात कर लेते हैं टाटा कर्व के हाल ही में शोकेस भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में शोकेस मॉडल के प्रोडक्शन मॉडल के सभी डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के लुक्स और डिज़ाइन की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गाड़ी किस सेगमेंट में आने वाली है। बहुत से लोग इसको सेडान भी समझ रहे हैं फोटो देख के, बट ये गाड़ी एक एक्चुअल एसयूवी है और ये एसयूवी जो है ये सी सेगमेंट में आती है। अब सी सेगमेंट से मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं कि उस सेगमेंट में जिस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा राज करती है, और ये उसी सेगमेंट में आने वाली है जहाँ पर क्रेटा सेल्टॉस जैसी गाड़ियाँ आती हैं। तो ये एक काफ़ी कमाल का कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो एक कूपे एसयूवी की तरह है, जो कि पीछे से स्लोप लाइन आप लोग देखते हैं कि रूफ लाइन जो होती है वो काफ़ी कूप डिज़ाइन की होती है, काफ़ी यूनिक स्टाइलिंग के साथ आती है। अब अगर बात करते हैं कर्व के डिज़ाइन की, जैसा कि नाम बता रहा है कि एक कर्व है, उसी तरीके से गाड़ी का जो डिज़ाइन आप लोग देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कर्वी है, चाहे वो फ्रंट की बात करें चाहे वो रियर की बात करें। गाड़ी के अंदर फुली LED लाइटिंग सेटअप दिया गया है, LED DRLs दी जा रही हैं, गाड़ी के अंदर ब्लैक और ऑरेंज कलर का जो एक कलर है इसको शोकेस किया गया है हाल ही में। और इस गाड़ी के अंदर आप लोग हैंडल्स देख रहे हैं, तो आप लोगों को हैंडल्स जो है वो फ्लश फिटेड हैंडल्स मिल रहे हैं, जो कि अंदर चले जाते हैं, बिल्कुल गाड़ी के बाहर आप लोगों को हैंडल नहीं दिखाई पड़ते हैं, जो आजकल काफ़ी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स अपनी गाड़ियों में दे रहे हैं। साथ ही ORVMs गाड़ी के आप लोग देख रहे हैं ये पिलर्स पे, और 18 inches के डायमंड कट एलॉय व्हील्स इस गाड़ी के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। गाड़ी के अंदर बॉडी क्लैडिंग का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, रियर में भी आप लोग ब्लैक बम्पर्स के नीचे देख रहे हैं काफ़ी बड़ी क्लैडिंग दी गई है, जो गाड़ी को काफ़ी प्रोटेक्शन भी दे देती है और लुक भी काफ़ी एनहांस कर देती है। रियर टेल लाइट जो है वो काफ़ी कनेक्टेड नज़र आ रही है, पीछे से आप लोग देख रहे हैं कि पूरी एक LED स्ट्रिप जा रही है, जो कि एक काफ़ी ज़बरदस्त लुक गाड़ी को दे रही है। रूफ स्पॉयलर आप लोग देख रहे हैं, शार्क फिन एंटीना इसके अंदर मिल रहा है, और रिफ्लेक्टर्स गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे लगे हुए हैं इसके बम्पर पर ही। बम्पर का साइज़ काफ़ी ऊंचा है, और अगर बात करता हूँ डायमेंशंस की, तो देखिए गाड़ी जो है 4300 mm लॉन्ग है, जो कि तकरीबन अगर मैं रेफरेंस से बात करूं तो आप लोग Hyundai Creta की जो लेंथ देखते हैं ये उससे छोटी गाड़ी है, और ये गाड़ी उससे पतली भी है। देखने में ये चौड़ी लग रही है, बट Hyundai Creta इससे 22 mm लंबी है, 20 mm चौड़ी है और 5 mm ऊंची भी है। तो ये गाड़ी क्रेटा के डायमेंशन के मुकाबले थोड़ी सी छोटी है, और इस गाड़ी के अंदर कितना बूट स्पेस मिलता है वो आप लोग को बताता हूँ कि 422 लीटर का बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस कैपेसिटी है जो ये गाड़ी ऑफर करने वाली है। तो ये गाड़ी काफ़ी बड़ी है, और डायमेंशंस वाइज किस तरीके से दिखाई पड़ रही है, किस तरीके से लुक्स है वो आप लोग देख रहे हैं, बट कितने कलर्स में आने वाली है वो इसके लॉन्च पर ही पता चलेगा। अब बात करते हैं पावर टेरेन ऑप्शंस की, कि भाई गाड़ी के अंदर किस तरह का इंजन मिलने वाला है, क्या ये गाड़ी इलेक्ट्रिक में आएगी या फिर ये पेट्रोल में आने वाली है। देखिए ऑटो एक्सपो में भी 2023 में इस गाड़ी को शोकेस किया गया था, वहां पर बताया गया था कि टाटा कर्व को इलेक्ट्रिक में उतारा जाएगा, बट ये चीज़ भी सही है और पेट्रोल वाला जो बात है वो भी सही है, क्योंकि ये गाड़ी पेट्रोल डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों में ही आने वाली है। बट उम्मीद ये लगाई जा रही है कि गाड़ी पहले आप लोग को इलेक्ट्रिक वर्जन में देख सकती है, फिर उसके बाद ये पेट्रोल डीजल में आएगी। बट एक्चुअली में टाटा करता क्या है कि पहले अपनी गाड़ियों को IC इंजन के साथ उतारता है, फिर आप लोग को जो है इलेक्ट्रिक देखने को मिलता है। अगर बात करें इलेक्ट्रिक वर्जन की, तो आप लोग को उसके अंदर इलेक्ट्रिक भी देखने को मिल सकता है, बट अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो IC इंजन मिलेगा वो कौन सा इंजन मिलने वाला है, देखिए इसके अंदर आप लोग को टर्बो इंजन मिलेगा, वही इंजन जो आप लोग को टाटा नेक्सॉन में मिलता है, 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, और अगर डीजल मिलेगा तो 1.5 लीटर का डीजल इंजन दिया जाएगा। और साथ ही गाड़ी के अंदर आप लोग को ICNG भी देखने को मिल सकता है, जो कि हाल ही में टाटा नेक्सॉन को भी शोकेस किया गया है वहां पर भारत मोबिलिटी में, जो जिसकी आप लोग अलग वीडियो देखने वाले हैं, उसके अंदर ICNG भी मिलने वाला है। तो इसके अंदर भी 1.2 लीटर इंजन के साथ CNG का भी ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल सकता है, जब ये गाड़ी ICE इंजन के साथ
आएगी। और ट्रांसमिशन की बात करें तो गाड़ी के अंदर 6 स्पीड का मैनुअल मिलेगा और ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, यानी AMT ट्रांसमिशन मिलेगा और डुअल क्लच ट्रांसमिशन मिलेगा। ये दोनों ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक हैं और 6 स्पीड का एक मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। तो मतलब ये है कि 3 तरह के इंजन, डीजल, टर्बो पेट्रोल और पेट्रोल CNG, और साथ ही आप लोगों को 3 तरह के ट्रांसमिशन भी देखने को मिलेंगे, मैनुअल, AMT और DCT। तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल रही हैं। बट अगर आप बात करते हैं गाड़ी के फीचर्स के मामले में कि गाड़ी के अंदर कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं, किस तरीके से शोकेस करी गई है गाड़ी, वहाँ पर आइए ज़रा फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाटा कर्व के अगर फीचर्स की बात करते हैं तो इस गाड़ी के अंदर आप लोग को 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर स्क्रीन आप लोगों को काफ़ी बड़ी साइज की देखने को मिल रही है। और गाड़ी में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो मिलेगा, एप्पल कारप्ले दिया जाएगा और 2 स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, जो कि हाल ही में आप लोगों ने नेक्सॉन के अंदर भी देखा था, जहां पर आप लोगों को इल्यूमिनेटेड लोगो भी सेंटर में देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को बड़ी पैनारोमिक सनरूफ मिलेगी, 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया जाएगा और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलेंगी, एयर प्यूरिफायर, हाई एंड ऑडियो सिस्टम दिया जाएगा, वायरलेस चार्जिंग पैड्स और कई सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे ADAS वगैरह फीचर भी आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फीचर लोडेड होने वाली है ये गाड़ी, कूपे स्टाइल की होने वाली है, काफ़ी डिफरेंट है, फुली LED लाइटिंग सेटअप के साथ मिलेगी और रियर में और फ्रंट में LED बार्स भी देखने को मिल रही हैं। तो गाड़ी काफ़ी यूनिक डिज़ाइन की है और अब टाटा की जो कर्व है वो आप लोग को Hyundai Creta को कड़ी टक्कर देती हुई दिखने वाली है सी सेगमेंट SUV के अंदर। और अब अगर बात करते हैं कि गाड़ी कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा हो सकता है कि टाटा कर्व को पहले EV में लॉन्च करे, तो इसलिए आप लोग को ये गाड़ी जो है साल के एंड तक देखने को मिलेगी। बट अगर टाटा कर्व EV की बात करते हैं तो वो आप लोग को अप्रैल में ही प्रोडक्शन मॉडल उसका दिख जाएगा और आप लोग को जून तक वो गाड़ी जो है वो सेल में चली जाएगी। बाकी ये वाला जो मॉडल है, इसके पेट्रोल और डीजल वाला जो मॉडल है, वो आप लोग को दिवाली के सीजन के आसपास इंडियन मार्केट में लॉन्च होता हुआ मिलने वाला है, यानी इस साल दिवाली पर टाटा कर्व को IC इंजन के साथ भी उतारने वाला है। और गाड़ी का क्या प्राइस होने वाला है, देखिए गाड़ी का जो प्राइस है वो सी सेगमेंट की SUVs को टक्कर देने वाला है, तकरीबन 13-14 लाख रुपए का इसका बेस मॉडल होने वाला है और 20 लाख के आसपास का टॉप मॉडल चला जाएगा। तो काफ़ी डिफरेंट SUV है, अगर आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं दिवाली तक तो आप लोग इस गाड़ी के लिए जा सकते हैं। गाड़ी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। मोटरनॉमिक्स में पहली बार आए हैं, इसी तरीके अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए क्योंकि भारत मोबिलिटी एक्सपो आ चुका है, काफ़ी सारी अपडेट्स आप लोग को मिलती रहेंगी। और बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।